बारे में जानते हैं, स्टॉक पॉइंट होता क्या है, इसके बारे में कुछ पता है स्टॉक पॉइंट के बारे में, राइट? हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे, हाँ सर हमारे पास है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, राइट। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है आपके एरिया में क्या जो सभी प्रोडक्ट हैं कीवा के, 550 से ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद है माय डियर फ्रेंड, क्या सभी प्रोडक्ट आपके आसपास में मौजूद हैं? क्या आपको सभी प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, स्टॉक पॉइंट खोलते हैं तो सभी प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। सभी प्रोडक्ट हमारे पास, देखिए कितने सारे नो आ रहे हैं आपके सामने। स्टॉक पॉइंट है क्या? स्टॉक पॉइंट है सबके पास, है आज की डेट में सबके पास स्टॉक पॉइंट मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट सभी नहीं मौजूद है। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे एक चीज बताइए, स्टॉक पॉइंट का बिजनेस कैसे बढ़ेगा? एक सिंपल सी चीज है, स्टॉक पॉइंट का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि स्टॉक पॉइंट का बिजनेस इस तरीके से बढ़ पाएगा जिस तरीके से हम कर रहे हैं? स्टॉक पॉइंट लेके बैठे हुए हैं, दुकान भी अच्छी खासी हमने सजा रखी है, लेकिन प्रोडक्ट ही पूरे नहीं है। तो आप मुझे एक चीज बताइए माय डियर फ्रेंड, क्या स्टॉक पॉइंट बढ़ेगा, स्टॉक पॉइंट का बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कल को नेगेटिव हो जाएंगे, कल को यहाँ पे हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे और फिर बोलेंगे कि सर ये तो चल नहीं रहा है, इनको काम नहीं करना आता, इनको ये नहीं करना है, इनको वो नहीं करना। माय डियर फ्रेंड, जब आपको प्रोडक्ट पूरे ही नहीं है आपके पास, अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, एक आपने वहां पे कोई भी दुकान, किसी भी तरीके की कोई भी आप दुकान ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल की दुकान ले लीजिए, चाहे स्पेयर पार्ट की दुकान ले लीजिए, चाहे और भी कोई जो दुकान है वो आप ले लीजिए। अब उस दुकान के साथ में अगर कोई बहुत बड़ा मेगा स्टोर खुले जिसमें वो चीजें तो है ही, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं वहां पे जो मौजूद है, तो मुझे एक चीज बताइए, कस्टमर किसके पास जाएगा, कस्टमर चीज कहां से खरीदेगा? एक सिंपल सा आंसर दीजिए, कस्टमर सामान कहां से खरीदेगा? बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपके साथ में अगर वहां पे कुछ ओपन है, मान लीजिए कोई जो डेयरी है, जो डेयरी है वो वहां पे ओपन है जहां से दूध पनीर लेते हैं, साथ में एक मेगा स्टोर खुला हुआ है जिसके अंदर दूध पनीर लस्सी हर एक चीज मौजूद है, डेयरी की हर चीज मौजूद है, जो चीज डेयरी में नहीं होगी वो चीज स्टोर के अंदर मौजूद है, उसके अलावा दुनिया भर की सभी जो चीजें हैं, कि अगर एक पर्सन जाए तो पूरी शॉपिंग करके वापस आए, क्या वो चीज आपके पास मौजूद है? तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या वो दुकान चलेगी, या वो जो बड़ा सारा जो मॉल है जिसके अंदर सभी चीजें मौजूद है, क्या वो चलेगा? दोनों में से कौन सी चीज चलेगी, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग पे जोर लगा के देखिए, कौन सी चीज चलेगी? आपने स्टॉक पॉइंट ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टॉकिस्ट भी होंगे, सुपर स्टॉकिस्ट भी होंगे, आपने मान लीजिए जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज को अपने स्टॉक पॉइंट पे रख के बैठे, राइट? कस्टमर आपके पास आता है कीवा की वीडियो देख के, मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी सभी चीजें अच्छी चल रही हैं, आपने वहां पे रख के बैठे हैं फूड सप्लीमेंट, कस्टमर आपके पास आ जाता है एफएमसीजी का, या वेटनरी का, या एग्रीकल्चर का, या और किसी चीज का, आपके पास वो चीज नहीं है, तो मुझे एक चीज बताइए, घाटा किसको पड़ रहा है, लॉस वहां पे किसका हो रहा है? डेफिनेटली जिसके पास स्टॉक पॉइंट है उसका लॉस हो रहा है। तो अगर हमारे पास सभी चीजें मौजूद हैं, सभी चीजें मौजूद हैं, और वहां पे जब कस्टमर आएगा, माय डियर फ्रेंड, कस्टमर अगर आपसे फूड सप्लीमेंट लेने आएगा ना, तो वो आपसे सैनिटरी नैपकिन लेके जाएगा, वो आपसे एग्रो 80 प्लस लेके जाएगा, वो आपसे वहां पे जो मसाले हैं वो लेके जाएगा, अरे रखा हुआ होगा तो लेके जाएगा। हम लोग दुकान पे जाते हैं, चाय पत्ती लेने जाते हैं, साथ में बिस्किट नमकीन लेके आ जाते हैं, दही लेने जाते हैं, साथ में हल्दी नमकीन वगैरह लेके आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब कस्टमर आएगा, आपको क्या पता कि कस्टमर की जरूरत क्या चीज है, हमें क्या पता कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है? माय डियर फ्रेंड, हमें नहीं पता है, अनप्रेडिक्टेबल होती है ये चीजें,
लेकिन अगर आपकी दुकान पे सामान होगा तो वो 100% सेल होगा ही होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा सामान लेके बैठेंगे तो जो आएगा अगर उसके मतलब का सामान होगा तो ही बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकने वाला है। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए, माइंड से सोचिए कि आपके स्टॉक पॉइंट पे सभी चीजें मौजूद हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी रखिए लेकिन सभी चीजें, पूरी जो रेंज है वो आपके स्टॉक पॉइंट पे होनी चाहिए। इस चीज को सुनिश्चित कीजिए, जो आपके आस पड़ोस में है उनको बोले कि भाई साहब ऑर्डर लगाइए, हमने ये सामान मंगवाना है। सामान कैसे मंगवाएगा मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लीडर हैं या आपकी टीम में से किसी ने स्टॉक पॉइंट लिया हुआ है तो डेफिनेटली उसको समझाइए कि भाई साहब आप ऑर्डर लगाइए। ऑर्डर लगेगा कैसे, पहले उसको बताइए, उसका हौसला बढ़ाइए कि भाई साहब इस तरीके के ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे पास ये ऑर्डर जो है वो पड़े हैं, मेरे को जूस चाहिए, वेमेन केयर जूस चाहिए, सेंट्री नैपकिन चाहिए, एग्रोटी प्लस चाहिए, क्या आपके पास मौजूद है, क्या आपके पास मौजूद है। वो कहेगा सर कितना चाहिए, आप बोल देंगे कि सर मेरे को तो यहाँ पे एक एक दो दो बोतल चाहिए, वो बंदा भी एक एक दो दो बोतल ही मंगवाएगा। वो बोतल आएगी, आप उसको भेज देंगे, वो फिर वहां से बैठा होगा अपनी दुकान के ऊपर कि सर जब ऑर्डर आएगा तब मंगाएंगे। माय डियर फ्रेंड, कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है तो 5 बोतल आपको मंगवानी चाहिए, अगर आपके पास 2 या 3 बोतल का ऑर्डर आ रहा है तो कम से कम 10 बोतल्स आपको कम से कम मंगवानी चाहिए। ये मिनिमम टू मिनिमम है कि इतना तो आपने कम से कम करना ही करना है, इतना कम से कम हमारे अंदर होना चाहिए कि इतना कम से कम हमने मंगवाना ही मंगवाना है। बाय वन गेट वन तो वैसे भी चल रहा है, तो वहां पे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स लेना शुरू कीजिए। अपनी टीम से बात कीजिए कि भाई साहब कितना ऑर्डर दे रहे हैं, कितना ऑर्डर डाल रहे हैं बताइए मेरे को, टीम पता ही नहीं है, टीम कहाँ पे चल रही है, पता ही कहाँ पे घूम रही है, और हम लोग क्लोजिंग पे जाके एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। क्लोजिंग आने वाली है, 3-4 दिन रह गए हैं, अब हम लोग एक्टिवली काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम द डे वन से हमें एक्टिवली काम करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग पे कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं आएगा और आपके सभी टारगेट जो है वो वहां पे अचीव हो सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पे स्टॉक पॉइंट हमें क्यों चाहिए इसके बारे में हमें यहां पे पता चला है, राइट। अर्ली अर्न एंड मेक योर टीम, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और टीम बनाना चाहते हैं तो स्टॉक पॉइंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर पैसा कमाना है और टीम बनाना है तो स्टॉक पॉइंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके पास स्टॉक पॉइंट है, इफ यू हैव अ स्टॉक पॉइंट, देन माय डियर फ्रेंड आप अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और आपकी टीम भी अच्छी बन सकती है। टीम अच्छी कैसे बनेगी, मेक श्योर कि जो आपका स्टॉक पॉइंट है या सुपर स्टॉकिस्ट है वहां पे रोजाना ओपीपी होनी चाहिए। ओपीपी मीन ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, एवरीडे ओपीपी, ओपीपी एवरीडे, इसको लिख लीजिए, हर रोज ओपीपी, ओपीपी हर रोज, ये स्लोगन नोट कर लीजिए, इसको रख लीजिए, यही होना चाहिए। एवरीडे ओपीपी, ओपीपी एवरीडे, एवरीडे ओपीपी, ओपीपी एवरीडे। जितना ज्यादा आपकी टीम में ओपीपी होगा, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के एमडी के बारे में डॉक्टर करण गोयल जी के बारे में, कंपनी के सर्टिफिकेट अप्रूवल, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में, दैट्स इट। इससे ना एक वर्ड ज्यादा ना एक वर्ड कम। अब आपकी टीम में कितने लोगों को ये चीजें पता है उतना आपका बिजनेस होगा। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, अपनी टीम में देखिए कितने लोगों को पता है, अपनी टीम के लोगों का नाम लिख लीजिए। नाम नहीं लिखना तो वैसे गिन लीजिए उंगलियों पे कितने लोगों को पता है, हार्डली, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सभी चीजें मालूम होती है। तो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस कहां से बढ़ेगा, एक चीज बताइए, बिजनेस कहां से बढ़ेगा। आपकी टीम, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 100 में 500 में 1000 में टीम है, लेकिन मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में कुछ लोगों को जानकारी होती है। मैंने बात की है लोगों से, टीम कितनी है, 300-500 की टीम है, ओके। मार्केटिंग प्लान कितने लोग जानते हैं, प्रोडक्ट कितने लोग जानते हैं, सर 8-10 12-13 15-20 लोग। तो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस उसी हिसाब से ग्रो करेगा। एक बड़े लीडर की क्वालिटी वहां पे देख लीजिएगा, जो एक बड़ा लीडर होगा उसकी टीम में सभी एक्टिवली काम कर रहे होंगे और सभी को ये जो बेसिक चीजें हैं वो पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, हम लोग रिटेल करना शुरू कर रहे हैं, बेचो बेचो बेचो, अरे भाई बिकेगा,
वो अपने आप बिकेगा, लेकिन क्या हम ये बेसिक चीजें फॉलो कर पा रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, नेटवर्क बनाने के, और हम क्या कर रहे हैं वहां पे वो दुकान सजा के वहां पे हम लोग बेचने में लगे हुए हैं। वो जो स्टॉक पॉइंट आपका खोला गया है वहां पे मीटिंग कीजिए, लोगों को जोड़िए, कस्टमर आ रहा है ये लीजिए, ये लीजिए मसाला लीजिए, ये लीजिए। अरे भाई साहब, हमने तो वहां पे वो करियाने की दुकान खोल के बैठ गए हैं। भाई साहब, वहां से करियाना तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वहां से आपको नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। उसको हम लोग निकाल रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना है। क्या आपका नेटवर्क बन पा रहा है? इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या नेटवर्क बना पा रहे हैं? ये बहुत ही मेजर चीज है। क्या हम इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। चाहे प्रोडक्ट आपको दो तीन ही मालूम हो, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता तो हो। अरे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं यही पता हो भाई, एग्रीकल्चर के भी हैं, वेटनरी के भी हैं, फूड सप्लीमेंट के भी हैं, हर एक चीज के हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता हो, कितनी पुरानी है, क्या कुछ है हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कंपनी है कहाँ पे, प्रोफाइल, ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मार्केटिंग प्लान सिंपल सी चीज सीख लीजिए। मार्केटिंग प्लान में रैंक क्या है, कितना बीपी करना है, क्या मिलेगा, पैसा कितना आएगा, हम लोगों को यही नहीं बता पा रहे हैं कितना पैसा आएगा। सामने वालों को दिखाइए कितना पैसा आप वहां पे अर्न कर सकते हैं, कितना पैसा आ रहा है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। एक चीज नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, जितने ज्यादा लोग आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, कि जितने ज्यादा लोग आपके यहाँ पे इन सभी चीजों को टिप्स पे बता पाएंगे, उतनी जल्दी आपका जो बिजनेस है वो वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपना डुप्लीकेट खड़ा कर लिया तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा आपका बिजनेस। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें, अब स्टॉक पॉइंट का रेफरल इनकम हमें भी पता है, आपको भी पता है, 1% मिलता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1%, अगर हम यहाँ पे जो भी वो मंथली वहां पे सेल करेगा उसका 1% मेरे को हमेशा आएगा ही आएगा। मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि सर इसको स्टॉक फंड खोलना है, इसको स्टॉक फंड खुलवा दो। मैंने सिर्फ ये बोला, वो स्टॉक फंड खुल गया। अब वो जो भी सेल करेगा उसका 1% मेरे को हमेशा के लिए आएगा, ये चीज हमें पता है। अब मान लीजिए आपने 10 स्टॉक पॉइंट खुलवा दिए जहां पे मिनिमम 1,00,000 रुपए की सेल होती है, यानी कि टोटल 10,00,000 रुपए की मंथली सेल जो है वो होनी शुरू हो गई है। ये मैं कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम जिस हिसाब से आज की डेट में चल रहे हैं उस हिसाब से अगर 1,00,000 की सेल होती है तो 10,00,000 रुपए का इनकम बनता है। स्टॉक पॉइंट की, एक एक स्टॉक पॉइंट की कम से कम 10-10 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए कि हम यहाँ पे आसानी से बिजनेस कर सकें। 1-1 लाख की हम वहां पे भी सेल करेंगे तो भी 10-10 लाख रुपए का वहां पे सेल बनता है। यानी कि जो मेरा 1% का वहां पे रेफरल इनकम है वो 10,000 रुपए मेरा इसी चीज से आना शुरू हो जाएगा कि मैंने 10 लोगों को वहां पे खुलवा के दे दिए हैं। अब यहां पे यही चीज, अगर 100 स्टॉक पॉइंट आप खोल देते हैं, यानी कि 1,00,000 रुपए की भी अगर हर कोई सेल कर रहा है तो 1 करोड़ रुपए की आपकी वहां पे जो सेल है वो होनी शुरू हो जाएगी। ये पॉसिबल है, बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हैं इस चीज को? बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो 40-50 स्टॉक पॉइंट में बेसी इतनी सेल निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। स्टॉक पॉइंट पे 1,00,000 रुपए की सेल दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम 10,00,000 रुपए की एक स्टॉक पॉइंट के ऊपर सेल मान के चलिए। सुपर स्टॉकिस्ट की जो सेल है 50-70 लाख के बीच में होनी चाहिए। सुपर स्टॉकिस्ट की जो सेल है 50-70 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। स्टॉक पॉइंट की सेल कम से कम 10,00,000 रुपए होनी चाहिए। क्या वो हो पा रही है? कहां से होगी भाई साहब? प्रोडक्ट ही नहीं है, सेल कहां से होगी भाई साहब? माल होगा तभी माल बिकेगा। आपने कोई ऐसी दुकान देखी है कि जिसमें माल ना हो फिर भी वहां पे सेल हो रही है? कैसे सेल होगी? माल ही नहीं है दुकान पे तो भाई साहब बेचेंगे क्या? हवा तो हम बेचने से रहे तो बेचेंगे क्या? डेफिनेटली हमें वहां पे जो सामान है वो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने स्टॉक पॉइंट पे सामान की अवेलेबिलिटी करवाइए, जितना भी सामान है, चाहे आपको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन सामान बिकता है भाई साहब। मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, सामान बिकता है। और उसके बाद अगर 1 करोड़ की सेल होती है तो 1 करोड़ का 1%, यानी कि 1,00,000 रुपए का आपका रेफरल इनकम पर मंथ का आपका बन सकता है। कभी सोचा इस चीज के बारे में? 1,00,000 रुपए सिर्फ आपने 100 स्टॉक पॉइंट खुलवाए हैं। इतना बड़ा देश है,
इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 100 स्टॉक पॉइंट ही हमसे खुलेंगे, 100 स्टॉक पॉइंट, 1000 लोगों से बात करेंगे, 100 स्टॉक पॉइंट आपके आराम से खुल सकते हैं, लेकिन पहले 1000 लोगों से बात तो कीजिए। हम 500-600 लोगों से बात करके वहां पे थक जाएंगे, नहीं यार स्टॉक पॉइंट तो नहीं खुल रहे हैं, क्या पता आने वाले जो 20 लोग हैं वो सभी स्टॉक पॉइंट ले लें, लेकिन क्या 500 लोगों से बात की? यही पे दिक्कत है, दिक्कत यही पे होती है कि अंदर उतनी आग है ही नहीं है, उतना जोश उतना जज्बा है ही नहीं है कि यार लोगों से बात कर सके। अरे बात करेंगे तो कैसे नहीं होगा यार, 100% होगा, लेकिन हमारे अंदर ये जो जुनून है, ये जो जज्बा है, वो हमारे अंदर होना डेफिनेटली चाहिए।